नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मानव संप्रेषण और मानवेतर संप्रेषण में क्या अंतर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भाषा है, भाषा का मुख्य कार्य अथवा प्रकार क्या है, विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करना। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब जो मनुष्य होता है वह अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु पशु पक्षी भी हमारी तरह भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से किस प्रकार भिन्न होती है, इसी को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। भाषा का मुख्य कार्य होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। मनुष्य शारीरिक संकेतों एवं ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अपना भाव दूसरे तक संप्रेषित करता है। शारीरिक संकेतों मतलब जैसे किसी को घूर कर देखना या क्रोधित मुद्रा में देखना, भावों को उठाना, मतलब विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, जेस्चर करता है व्यक्ति अपनी भावना और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए। और ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से बोल करके वह अपने विचारों को व्यक्त करता है, संप्रेषित करता है, कम्युनिकेट करता है। मानव के अतिरिक्त पशु पक्षी और संभवतः कीट पतंग भी अपनी बात अन्य पशु पक्षियों तक संप्रेषित करते हैं। केवल मानव ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतु, कीट पतंग और जितने भी चिड़िया पक्षी वगैरह हैं, ये भी अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। जैसे मोर है वह नाचकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, जैसे डॉल्फिन है, मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, है ना, और जितने भी पक्षी हैं चिल्लाते हैं, तो ये सभी अपनी अपनी भावनाओं को संप्रेषित करते हैं अपनी प्रजाति में, है ना, कम्युनिकेट करते हैं। संस्कृत भाषा में तथा लोक कथाओं में अनेक स्थानों पर बोलने वाले पक्षियों आदि के संकेत मिलते हैं, परंतु क्या इस आधार पर मानव तथा मानवेतर संप्रेषण को एक माना जा सकता है? आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, हितोपदेश की कहानियां पढ़ी होंगी, तोता मैना की कहानियां पढ़ी होंगी, और इसी प्रकार जैसे आप कार्टून भी देखते हैं, तो आपने लोक कथाओं में भी अनेक स्थानों पर, संस्कृत भाषा में भी बहुत सारी कहानियों में आपने बोलने वाले पशु पक्षियों के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, इसका संकेत मिलते हैं। तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव का जो संप्रेषण और मानवेतर संप्रेषण, मानवेतर मतलब मानव से हटकर जो पशु पक्षी कीट पतंगे इत्यादि के जो संप्रेषण है, इन्हें कहा जाता है मानवेतर संप्रेषण, तो क्या हम दोनों की भाषाओं को एक मान सकते हैं? आइए देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे मानव संप्रेषण और मानवेतर संप्रेषण में क्या फर्क होता है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संप्रेषण से यहां तात्पर्य ध्वनि के माध्यम से होने वाला संप्रेषण है। तो आज हम जब इन दोनों का अंतर जब पढ़ेंगे, तब हम यह देखेंगे कि यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि ध्वनि के माध्यम से किस प्रकार संप्रेषण होता है ना। कम्युनिकेशन जो हमारे वॉइस के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से जो संप्रेषण होता है, इसी को ही हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। मनुष्य के सीटी बजाने, जैसे मनुष्य सीटी बजाता है, कोई गेम से देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई गाना अच्छा लगा सीटी बजा दिया, कोई दोस्त जीत गया, हरी झंडी दिखाने, हरी झंडी दिखा देते हैं। रेलवे में जैसे ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, कोई खतरा नहीं रहता, तो हरी झंडी दिखाते हैं, ट्रेन चल पड़ती है। भाव विक्षेप, भाव को चढ़ाना, त्योरिया चढ़ाना जिसको बोलते हैं, गुस्से का प्रतीक होता है, आदि को भाषाई दृष्टि से संप्रेषण नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जो ध्वनि है, ध्वनि मतलब सार्थक ध्वनि समूह यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसे हम संप्रेषण नहीं कर सकते। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि पशुओं में मानव के समान अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विद्यमान होती है। कई बार हमको ऐसा लगता है और ऐसा बोला जाता है कि पशुओं में भी मानव के समान अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विद्यमान होती है। जैसे कि कुछ लोग तोता पाल के रखते हैं, अब तोता को सिखा दिया जाता है कि घर के जैसे किसी लड़की को उसने देखा तो दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी दीदी चिल्लाने लगे, तो क्या उसमें अर्थ ग्रहण की क्षमता विद्यमान होती है? इसी प्रकार घुड़सवार अपनी एक आवाज से घोड़े को रोक सकता है। घुड़सवार भी कोई आवाज को चिल्लाता है, घोड़ा रुक जाता है। मनुष्य से आदेश प्राप्त कर कुत्ता मनुष्य से हाथ कुत्ते के अगले पैर मिला सकता है। कुछ लोग अपने घर के कुत्ते को सिखा कर रखते हैं कि जैसे वो अपना हाथ बढ़ाएंगे तो कुत्ता अपना अगला पैर बढ़ा देगा हाथ मिलाने के लिए। सर्कस में रिंग मास्टर अपने आदेश पर शेर एवं अन्य पशुओं का विभिन्न आदेश देता है और वे इसका पालन करते हैं। सर्कस में भी देखना, सर्कस में आपने देखा होगा कि जो रिंग मास्टर होता है एक छड़ी लेकर चलता है और जहां बैठने को बोलता है शेर वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, हाथी को और तोता को जो करने को बोलते हैं वो करने लगते हैं।
परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पशु शब्दों को समझकर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, बल्कि वे ध्वनि विशेष सुनकर उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप यह कार्य करते हैं। तो वास्तव में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वास्तव में भाषा को समझकर उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते, भाषा को समझकर उसका क्या अर्थ है इसे समझ नहीं पाते, लेकिन वे ध्वनि विशेष को सुनकर कि भाई यह ध्वनि मैं सुनूंगा तो मुझे ये काम करना है, ऐसा उनको सिखाया जाता है। जैसे जो ध्वनि निकलती है रिंग मास्टर के मुंह से तो उनको क्या करना है उनको पता होता है, और इसी के प्रतिक्रिया के रूप में वे अपना काम करते हैं, वास्तव में भाषा को नहीं समझते। तो जिस प्रकार पशु अर्थ ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार वह मानव भाषा का भी उत्पादन नहीं कर सकता। मुख्य अंतर तो यह हो गया कि जो जीव जंतु और अन्य पशु पक्षी हैं वे भाषा का अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते, भाषा को समझ नहीं सकते कि भाषा का क्या अर्थ है, शब्दों का क्या अर्थ है, इसीलिए वे मानव भाषा का उत्पादन भी नहीं कर सकते। हमारे घर में बच्चा और पिल्ला अथवा बिल्ली का बच्चा एक ही वातावरण में बड़े हो सकते हैं, परंतु पिल्ला और बिल्ली का बच्चा मानव शिशु के समान बोलना कभी नहीं सीखते। जैसे आपके घर में आप छोटा सा कुत्ते का पिल्ला लेकर आ गए, छोटा सा बच्चा, और छोटी सी बिल्ली लेकर आ गए और आपके घर में एक छोटा बच्चा है, तो आप जैसे जैसे बात करेंगे धीरे धीरे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा, आपकी भाषा को सीख जाएगा। लेकिन उसी घर में एक ही साथ पलने वाले कुत्ते का पिल्ला या फिर बिल्ली का, छोटी बिल्ली का जो बच्चा है, वे मानव शिशु के समान बोलना कभी नहीं सीख सकते, यह भी मुख्य अंतर है। इसी प्रकार पशु अन्य पशुओं की भांति बोलना भी नहीं सीख सकते। तो जैसे शेर है तो शेर धारणा ही सीखेगा, कुत्ते जैसे भौंकना नहीं सीखेगा, जो कुत्ता है तो कुत्ते की तरह भौंकना सीखेगा। तो इसी प्रकार जो पशु पक्षी वे अन्य पशु पक्षियों की भाषा नहीं सीख सकते, हाँ कुछ नकल जरूर कर सकते हैं। भाषा प्रयोग और संप्रेषण व्यापार की दृष्टि से चिंपैंजी को मानव के सर्वाधिक निकट माना जा सकता है। तो चिंपैंजी नाम का जो जानवर होता है, प्राय यह माना जाता है कि जो चिंपैंजी होता है वह ज्यादा स्मार्ट होता है और कुछ थोड़ा बहुत वो भाषा को सीख सकता है। वस्तुतः ऐप मतलब यह चिंपैंजी गोरिल्ला जैसे जानवर है, तो ऐप गोरिल्ला चिंपैंजी आदि अनेक ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं, पर वे मानव के समान बोल नहीं सकते। तो ये कुछ ध्वनियों को उच्चारण मनुष्य के समान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे मानव के समान बोल नहीं पाते हैं। रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव नाम के जो विद्वान है, इनका कहना है भाषा प्रयोग का संबंध बुद्धि और संज्ञान कॉग्निशन से है, उन अमूर्त नियमों से है जो वस्तुओं को प्रतीक में बदलता है और वाक्य विन्यास के आधार पर विचार के लिए प्रतीकों की भाषावत प्रयोग में मदद करता है। तो रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी का कहना यह है कि जो भाषा का प्रयोग का संबंध किससे, हमारी बुद्धि से, हमारे संज्ञान से, कि हम, हमारे में अंदर बुद्धि है, हम चीजों को समझते हैं, कि हम जिन चीजों के लिए हमने कुछ अलग अलग शब्द दिए उनको हम समझते हैं, एक नियम कानून के तहत हम भाषा का प्रयोग करते हैं, अब वस्तुओं को प्रतीक में बदल देते हैं। जैसे वस्तु कोई घड़ी है तो ये घड़ी बोलेंगे तो मतलब पता चला था कि एक घड़ी है, और वाक्य विन्यास के आधार पर प्रतीकों की भाषावाद प्रयोग करते हैं, और विचार विनिमय के लिए हम ये जो प्रतीक है, प्रतीक है मतलब जो भाषा है ना, जो हमारे कोडिंग है, जो भाषा है, उसका हम प्रयोग करते हैं विचार विनिमय के लिए। तो जीव जंतु ये सब नहीं कर सकते। अब मानवेतर भाषा या मानव भाषा के अंतर का आधार क्या है? यदि आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव भाषा और मानवेतर भाषा में क्या अंतर है, तब भी उसका उत्तर यही रहेगा। और यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि मानव संप्रेषण और मानवेतर संप्रेषण में क्या अंतर होता है, तब भी आपको इसी उत्तर को लिखना है। तो मानवेतर भाषा या मानव भाषा में क्या क्या अंतर होते हैं? बेसिकली मानवेतर भाषा मतलब मानव से इतर, मानव से हटकर, जो जीव जंतु अथवा पशु पक्षियों कीट पतंगों की भाषा को बोलते हैं मानवेतर भाषा। तो मानवेतर भाषा और मानव भाषा में क्या क्या अंतर है देखते हैं। पहला है, मानव भाषा एक मानसिक अवस्था है, इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है। मानव एक ऐसी भाषा व्यवस्था का स्वामी होता है जिसका प्रयोग वह समाज में विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार करता है। मतलब हम कोई भाषा सीखे हैं तब जैसी जैसी परिस्थितियां होगी उस प्रकार की हम भाषा का प्रयोग करेंगे। दुख है तो दुख टाइप की भाषा का प्रयोग करेंगे, खुशी है तो खुशी की भाषा का प्रयोग करेंगे, अपने हम उम्र लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, और कहीं औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे, कहीं अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे, कहीं कार्यालयीन भाषा का प्रयोग करेंगे, प्रयोजन मूलक हिंदी, मीडिया की भाषा, पत्रकारिता की भाषा अलग होगी। तो इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में हम अपना दिमाग लगाकर विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। और ससियोर नाम के जो बहुत बड़े भाषाविद हुए हैं, इन्होंने भाषा के संबंध में लॉन्ग और परोल की चर्चा की है। इसको आप मेरा पिछला जो लेक्चर देख चुके होंगे भाषा विज्ञान का, तो आपको पता चल गया होगा, जानते होंगे इसके बारे में। मानवेतर प्राणी व्यवहार के स्तर पर प्रयुक्त
भाषाई व्यवस्था तथा संकेत प्रतीकों को संभवतः समझ सकते हैं, परंतु भाषा व्यवस्था से उनका कोई संबंध नहीं होता। तो थोड़ा बहुत जो जीव जंतु हैं हमारे प्रतीकों को समझ सकते हैं, जैसे हमने कुत्ते के बैठने के लिए कोई स्थान बना दिया तो वहीं पर जाकर वो बैठेगा, उसको पता है यहां बैठना है, कुछ प्रतीक हमने बना दिया, कुत्ता का चित्र बना दिया। या फिर जो छड़ी लेकर जो रिंग मास्टर घूमता है तो वह एक प्रतीक है कि छड़ी के माध्यम से कहां बैठना है, कहां उठना है, उसको पता होता है। लेकिन भाषा व्यवस्था से इनका कोई संबंध नहीं होता, थोड़ा बहुत चीजों को वो समझ सकते हैं लेकिन हमारी तरह भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। और चाम्स्की तो भाषा के संदर्भ में भाषा व्यवस्था को कोई महत्व नहीं देते। चाम्स्की का कहना है कि भाषा व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं होती, उनके लिए तो भाषा क्षमता ही प्रमुख है। भाषा व्यवस्था मतलब भाषा का किस प्रकार से प्रयोग करना है, एक नियम कानून। इनका कहना है कि इन सब नियम कानून भाषा व्यवस्था को कोई वैल्यू नहीं है, भाषा की क्षमता ही प्रमुख है कि जो बच्चा होता है उसमें बोलने की क्षमता होती है। और जो मानव शिशु होता है वह एक विशिष्ट प्रकार की ज्ञान अर्जन युक्ति नॉलेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर उत्पन्न होता है जो मानवेतर जगत में संभव नहीं है। अतः मानव भाषा पूर्णतः एक विशिष्ट व्यवस्था है। तो इनका कहना यह है कि जो बालक होता है, जो शिशु होता है ना, चाहे लड़की हो या लड़का जो भी हो, तो मानव का जो शिशु होता है उसमें ज्ञान को सीखने की, ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता उसमें होती है, जबकि मानवेतर जगत में ज्ञान को अर्जित करने की, भाषा को अर्जित करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए भाषा को अर्जन करने की जो क्षमता है वह सिर्फ मानव के शिशु में होती है, जो कि वह एक विशिष्ट व्यवस्था है, खास व्यवस्था लेकर वह पैदा होता है दुनिया में, जो नैसर्गिक होता है, जो प्राकृतिक होता है। मानव चित्तवृत्ति, मानव चित्तवृत्ति मतलब मेंटल डिस्पोजिशन, मन की अवस्था। विश्व में प्रत्येक प्राणी एक विशिष्ट चित्तवृत्ति के साथ उत्पन्न होता है और वह उसी के ऊपर अनुरूप व्यवहार करता है। जैसे जिस कालखंड में या जिस समय में हम पैदा होते हैं, जिस परिवेश में पैदा होते हैं, तो हम एक विशेष मेंटल डिस्पोजिशन लेकर पैदा होते हैं, एक मानसिक चित्तवृत्ति लेकर पैदा होते हैं और उसी के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। जबकि मानव परिवार के साथ समान परिवेश में पलने वाला कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, पशु भौंकने, म्याऊ करने अथवा हिनहिनाने की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब हमारे में एक मेंटल डिस्पोजिशन होता है, एक भाषा को सीखने की हमें क्षमता होती है। चीन में पैदा होंगे चाइनीज लैंग्वेज सीखेंगे, फ्रांस में पैदा होंगे तो फ्रेंच भाषा सीख जाएंगे, इंग्लैंड में इंग्लिश सीख जाएंगे। जबकि हमारे परिवार में पलने वाले चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली या घोड़ा हो, उनमें नैसर्गिक प्रतिभा सिर्फ होती है कि वो जन्मजात जो प्रतिभा होती है सीखने की, वो होती है खुद के जो अन्य, खुद के प्रजाति के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भाषा को वह सीखता है। जैसे कुत्ता भौंकना सीख जाता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना सीखती है, घोड़ा हिनहिनाना सीखता है, जबकि वे हमारे ही घर में रहते हैं लेकिन हमारी भाषा को नहीं सीख पाते। चिंपैंजी जैसे पशु वर्षों के प्रयास के बाद भी मामा, पापा, कब जैसे सामान्य शब्दों का भी सही उच्चारण नहीं कर पाए। वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, कोई चिंपैंजी जो बहुत ही होशियार जानवर होता है उसको मानवों की भाषा सिखाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी वे असफल रहे, वह कुछ ही शब्दों का भी ढंग से उच्चारण नहीं कर पाया, पापा, मामा, कब जैसे सामान्य शब्दों का। इसके विपरीत मानव शिशु उपयुक्त वातावरण पाकर एक वर्ष की अवस्था में ही मानव भाषा का प्रयोग करने लगता है। जबकि मनुष्य का जो शिशु होता है, मानव शिशु, जब वो एक साल का होता है तो दादा, दादी, मामा, पापा इत्यादि छोटे छोटे शब्दों का वह प्रयोग करना सीख जाता है, प्रयोग करने लगता है एक शब्द का लगभग। मानव भाषा मनुष्य की जातिगत वृत्ति है, वह इस वृत्ति को लेकर ही जन्म लेता है और उसके मस्तिष्क में इसका जैविक आधार भी होता है। तो मानव का जो शिशु होता है, जो मानव जब दुनिया में जन्म लेता है तब उसके अंदर भाषा को सीखने की सामान्य सी क्षमता होती है, स्वाभाविक क्षमता होती है, और उसके मस्तिष्क का, दिमाग का प्रोग्रामिंग भी इस तरह होता है कि वह किसी भी भाषा को सीख सकता है। मानवेतर प्राणियों में न तो मानव भाषा की वृत्ति मिलती है और न ही उसका जैविक आधार। तो न तो मानवेतर प्राणियों में भाषा सीखने की न तो क्षमता होती है और न ही उनमें कोई जैविक आधार होता है कि जिसके आधार पर वे भाषा को सीख पाए, जो कि मानव शिशु में होता है। मतलब उनकी प्रोग्रामिंग जो होता है दिमाग का, वह अलग तरीके से होता है, वे हमारी भाषा को नहीं सीख सकते। अब भाषा को अर्जन, भाषा को अर्जित किया जाता है। कोई शिशु जिस परिवेश में, जिस माता पिता के घर में जन्म लेता है, उनकी भाषा को, जिस समाज में जन्म लेता है, जिस देश में जन्म लेता है, वहां वह परिवेश से, वातावरण से वह भाषा को अर्जित करता है, सीखता है, मानव भाषा का अधिगम करता है। अधिगम मतलब लर्निंग। तो मानव भाषा को सीखता है, लर्निंग करता है, विशेषतः अन्य भाषा के संदर्भ में। मातृभाषा तो वह स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, लेकिन अन्य भाषा को वह अधिगम के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से सीखता है। परंतु भाषा अर्जन जो होती है
मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, स्वाभाविक क्षमता है कि वह भाषा को सीख सकता है, अर्जित कर सकता है। मानव शिशु मातृभाषा को परिवेश से स्वयं अर्जित कर लेता है और इसके लिए इसे प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जो मानव का जो शिशु होता है अपनी मातृभाषा को, अपनी मदर टंग को बहुत ही स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश और वातावरण से वह सीख जाता है, उसके लिए उसे किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण अथवा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह भाषा अर्जन करने की स्वाभाविक क्षमता जो होती है मनुष्यों में, वह उसे जीव जंतुओं या अन्य प्राणियों से अलग करता है। जिस प्रकार विशिष्ट रीति से चलना मनुष्य के लिए अधिगम का विषय नहीं है, उसी प्रकार भाषा का प्रयोग भी। जैसे जो बच्चा दुनिया में आता है तब उसको चलना कोई नहीं सिखाता कि कैसे चलना है, एक साल का होने पर लगभग धीरे धीरे वह स्वयं ही चलना शुरू कर देता है मनुष्यों की तरह। इसी प्रकार वह भाषा का प्रयोग करना भी स्वाभाविक रूप से शुरू कर देता है। इससे भिन्न ऊपर दिए गए सभी उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि चिंपैंजी सहित सभी मानवेतर प्राणी विशेष प्रशिक्षण के बाद ही ध्वनि संकेतों को समझने में सक्षम हो पाते हैं, उनका ठीक उच्चारण तो वे फिर भी नहीं कर पाते। तो ऊपर जो हमने देखा है कि जो शेर है, रिंग मास्टर है या फिर तोता है, जो उदाहरण मैंने आपको बताया, तो चिंपैंजी जैसे अन्य जो जानवर हैं वो क्या है, ध्वनि संकेतों को तो समझ सकते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वे मनुष्यों की तरह उच्चारण नहीं कर पाते ठीक ढंग से। तोता को भी हम सिखा देते हैं तो कुछ शब्द वो भी सीख जाता है, तोता भी स्मार्ट होता है ना, कुछ कुछ शब्द हमको सिखा देते हैं, जैसा सिखाते हैं वैसा वो बोलता है वैसी परिस्थितियों में। चौथा सृजनात्मकता, सृजनात्मकता मतलब सृजनात्मकता भी होता है, इसके दो पक्ष हो सकते हैं। जो मनुष्य की जो भाषा है उसमें सृजनात्मक, जैसे हम जो साहित्य पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, गीत गजल पढ़ रहे हैं, है ना, फिल्म देख रहे हैं, तो इसमें सृजनात्मकता होती है भाषा में। इसके दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष है नए नए शब्दों वाक्यों आदि की रचना, पहले न बोले गए वाक्य को बोलना और समझना भी इसी का एक पक्ष है। तो जो मानव की जो भाषा होती है उसमें सृजनात्मकता का गुण विद्यमान होता है, क्योंकि जो मनुष्य होता है वह नए नए शब्दों का निर्माण करता है, नए नए वाक्यों का निर्माण करता है, उनका प्रयोग करता है और पहले न बोले गए वाक्य को भी वो बोल देता है, नया वाक्य बना देता है और उसको समझ भी जाता है, लोगों को समझा भी देता है। मानवेतर प्राणी मतलब कीट पतंगे, जीव जंतु, अन्य पशु पक्षी न तो नए वाक्यों की रचना कर सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। चाम्स्की नाम के जो भाषाविद है, जो भाषा वैज्ञानिक, इनका कहना है तो इसी आधार पर बीज वाक्यों को सभी प्रकार के वाक्यों का आधार मानते हैं जो रूपांतरित होकर मानव संप्रेषण का आधार बनते हैं। बीज वाक्य मतलब कोई प्रमुख वाक्य होते हैं, उसके आधार पर बहुत सारे फिर वाक्य बनते जाते हैं, जैसे अंधेरा घिर गया मतलब रात हो गई या शाम ढल गई। अब एक ही बातों को अलग अलग प्रकार से कहने की क्षमता मनुष्य में होती है, यह इसकी सृजनात्मकता है ना। जैसे गोधूली बेला हो गई, गोधूली बेला का समय हो गया गोधूली का, या फिर शाम ढल गई है ना, शाम ढल रही है, इस प्रकार को कहा जाता है। मानव संप्रेषण में भी एक ही बात का विभिन्न प्रकार के करने की क्षमता होती है। सृजनात्मकता का दूसरा पक्ष है उद्दीपन मुक्तता। उद्दीपन मुक्तता मतलब, उद्दीपन मतलब किसी भावना या विचार को उत्तेजित करना। तो मानवेतर प्राणी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालकर परस्पर संकेत भेजते हैं, परंतु वे ऐसा बाह्य परिस्थितियों से प्रेरित होकर खतरा देकर आदि ही करते हैं। तो जो मानव की जो सृजनात्मकता है, मानव भाषा की सृजनात्मकता है, वह बाहरी परिस्थितियों, बाहरी उद्दीपन पर निर्भर नहीं करती। जैसे कोई कवि है, वह भले ही बहुत खुश है लेकिन बहुत ही सैड सॉन्ग लिख सकता है, सैड सॉन्ग गा सकता है ना। मतलब कोई गायक है वो बहुत खुश रहता है लेकिन जब उसको सैड सॉन्ग गाने को मिल जाता है तो ऐसा भी गा देता है वो, तो बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जबकि जो जीव जंतु हैं, जो कीट पतंगे हैं, वे जब विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं तो वे बाहरी परिस्थितियों को देखकर यदि किसी चीज से वे डर जाते हैं, जैसे कि कहीं पर बहुत सारे हिरण लोग चल रहे हैं और अचानक उन्होंने शेर को देख लिया तो चिल्लाकर भागने लगेंगे। इसी तरह बहुत सारे चिड़िया लोग हैं, अचानक वहां पर कोई बहुत सारे चिड़िया लोग कुछ चल रहे हैं, वहां पर अचानक से चिड़िया लोग कुछ अपना कीट पतंगे खा रहे हैं और अचानक वहां से पानी से मगरमच्छ बाहर निकल गया, सभी चिड़िया लोग चिल्ला के उड़ जाएंगे। वैसे बंदर है, बंदर लोग घूम रहे हैं, अचानक के शेर देख लिए तो चिल्ला के भागेंगे इस डाल से उस डाल में। तो ऐसी विभिन्न परिस्थितियों को देखकर वे आवाज निकालते हैं, जबकि मनुष्यों में बाहरी उद्दीपन की जरूरत नहीं होती। इसे हम कहते हैं उद्दीपन मुक्तता, बिना किसी बाहरी उद्दीपन के अपनी भावनाओं, अपने विचारों को भाषाओं के माध्यम से व्यक्त करना। मानव संप्रेषण ह्यूमन कम्युनिकेशन बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता से मुक्त होते हैं, बाहरी उद्दीपन की जरूरत नहीं है। वे दुखी रहकर भी बहुत खुश मिजाज वाला गाना गा सकते हैं, खुश हैं तो भी दुख वाला गाना गा सकते हैं, या फिर कुछ कहानियां कविता लिख सकते हैं, गजल लिख सकते हैं, बिना शराब पिए शराब के बारे में कविता लिख सकते हैं,
तो मनुष्य किसी भी वस्तु को देखकर अपने मनोभावानुकूल हर्ष, शोक, विषाद, उत्साह आदि से संबद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। मतलब उसकी इच्छा है, जैसे ताजमहल को देखकर बहुत ही अच्छा मोहब्बत के ऊपर शायरी और गजल लिख सकता है, या फिर कोई दुख वाला कोई गीत गजल शायरी लिख सकता है। तो साहित्य में जो अप्रस्तुत विधान होता है, जो प्रस्तुत नहीं उसको भी यहां पर प्रस्तुत कर देना, इस प्रकार की सृजनात्मकता का ही उदाहरण होता है। तो इस प्रकार मनुष्य की भाषा में जो सबसे प्रमुख गुण होता है वह होता है सृजनात्मकता का। अब संरचनात्मक अधीनता, जो आपको मालूम है कि जो हमारी भाषा है वह एक व्याकरण के अधीन काम करती है, एक निश्चित संरचना के अधीन हम भाषा का और शब्दों का गठन करते हैं। मानव संप्रेषण एक निश्चित व्यवस्था के अधीन होता है, जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है वैसे व्याकरण के अनुसार, नियम कानून के अनुसार हम भाषा का प्रयोग करते हैं। उसमें शब्द, रूप, वाक्य आदि की एक निश्चित व्यवस्था होती है, उससे भिन्न रचना संप्रेषण नहीं कर सकती। जैसे हमको फिर पहले संज्ञा रखना है, फिर कर्म रखना है, फिर क्रिया रखना है, तब कहीं जाकर हमारा वाक्य कंप्लीट होता है, तब हम किसी बात को समझ पाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द को कहीं पर रख दिया तो उसका कोई संदेश नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, वह हमारे विचारों को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, यदि कि हमारे सभी शब्द किसी वाक्य में प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं किए गए हैं। तो मतलब विभिन्न शब्दों को जब हम व्याकरण की व्यवस्था के अनुसार जब हम व्यवस्थित कर देते हैं, तभी वह एक वाक्य का निर्माण करता है, एक सार्थक वाक्य बनता है। जैसे उदाहरण के लिए कमल शब्द है, ये जो कमल शब्द का एक फूल का नाम है कमल, ठीक है, कमल तीन वर्णों से मिलकर बना है, लेकिन यदि हम इसको लिख देते हैं मकल, इसमें तीनों वर्ण तो आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी यह संप्रेषण करने में सफल नहीं होगी। जब तक हम कमल में जो तीनों वर्ण आए क, म और ल को एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं जमा लेते, व्यवस्थित नहीं कर लेते, तब तक यह किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इसी प्रकार रूप रचना और पद क्रम अनुविधि के भी नियम है जिनसे भिन्न रचना संप्रेष नहीं होती। जैसे रूप है ना, शब्द से जो रूप बनता है, तो वैसे पद क्रम, पदों के विभिन्न क्रम होते हैं, कहां पर विशेषण रखना है, कहां पर संज्ञा रखना है, कहां पर सर्वनाम रखना है, कहां पर क्रिया रखना है, कहां पर कर्म रखना है, इनको भी जब हम समुचित ढंग से नहीं जमाते हैं, तब भी यह कोई, अगर हम इसको सही ढंग से नहीं जमाएंगे, तब यह किसी भी भावना या किसी भी विचार को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, संप्रेषित नहीं कर पाता। मतलब एक निश्चित ऑर्डर होना, संरचना होना बहुत ही जरूरी है। मानव संप्रेषण की दृष्टि से एक ही वाक्य को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आदि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, तो वैसे ही एक ही वाक्य को हम अलग अलग वाच्य में भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक व्याकरणिक विधान मानव संप्रेषण के अनिवार्य अंग हैं, परंतु मानवेतर संप्रेषण में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जो कीट पतंगे जीव जंतु सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, ध्वनि निकालना जानते हैं, उनमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, बाहरी उद्दीपन के आधार पर वे अपनी ध्वनि को निकालते हैं। परंतु जो मानव का संप्रेषण है वह व्याकरण के नियमों के अधीन होता है, जो कि मानव के संप्रेषण का अनिवार्य अंग होता है। अब स्थान और काल की निरपेक्षता, मतलब जो मनुष्य की जो मनुष्य जब संप्रेषित करता है तो वह स्थान और काल के निरपेक्ष होता है। जैसे कोई आदमी हिंदुस्तान में रहकर इंग्लैंड का इतिहास लिख सकता है, या फिर वह प्राचीन इतिहास के बारे में लिख सकता है, ऋग्वैदिक काल के बारे में लिख सकता है, या तो स्थान और काल से निरपेक्ष होता है मानव की जो भाषा होती है। जबकि पशु किसी शत्रु आदि को सामने देखकर ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। जो पशु पक्षी जीव जंतु जो होते हैं वे क्या है, बाहरी उद्दीपन को देखकर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे किसी शत्रु को देख लिया तो जोर से चिल्लाएंगे, या फिर जो मोर है वह नाच रहा है, बारिश हो रही है तो खुशी के मारे नाचने लगता है कि मोर, या फिर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मेल होते हैं, वे जोर जोर से चिल्लाते हैं, गाना गाते हैं और अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं मैटिंग के लिए। वैसे अन्य जीव जंतु भी जोर जोर से दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, अपने फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस प्रकार वे प्रतिक्रिया ही व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार फिर फीमेल भी जवाब देती है आवाज निकाल के। मानव संप्रेषण इस प्रकार की काल स्थान की सीमा से मुक्त होता है, लेकिन मानव का जो संप्रेषण होता है इसके लिए बाहरी उद्दीपन या इस प्रकार की परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती, वह काल और स्थान की सीमा से मुक्त होता है, इसलिए हम काल्पनिक कहानियां भी लिख सकते हैं। इसलिए मानव संप्रेषण भूतकाल और भविष्य काल से भी संबद्ध हो सकता है। तो मानव कोई विचार व्यक्त करता है तो ऋग्वैदिक काल के बारे में बता सकता है, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लिख सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, जबकि हम उस समय थे ही नहीं। ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में हम बता सकते हैं या उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जबकि हम उस समय मौजूद ही नहीं थे। हम भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि 2050 का भारत कैसा होगा, उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति रहेगी। तो इसी प्रकार
एक स्थान पर बैठे मनुष्य द्वारा दूसरे स्थान और देश के संबंध में अभिव्यक्ति संभव है। हम भारतवर्ष में रहकर अमेरिका के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, वहां की साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति है, वहां लोगों की जीवन शैली कैसी है, तो क्या हम एक देश में रहकर दूसरे देश के बारे में बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जीवन की परिस्थितियां कैसी है। तो इस प्रकार हम की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, जबकि मानवेतर भाषा में मानवेतर संप्रेषण में यह संभव नहीं है। अनेक कोडों में संप्रेषण, अब कोड क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं अभी मैंने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कोड है अथवा प्रतीक है, मतलब जो भाषा होता है वास्तव में कोडों का मिश्रण होता है। कोड मतलब यहां पर आप कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह। अनेक कोडों में संप्रेषण, मानव संप्रेषण का यह वैशिष्ट्य है कि एक ही मनुष्य एक से अधिक कोड का प्रयोग कर सकता है। जैसे अभी स्क्रीन पर मैंने देवनागरी लिपि में इस चीज को लिखा है, आप चाहें तो इसको अरबी फारसी लिपि में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मानव संप्रेषण में आप एक से अधिक कोड का प्रयोग कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। बहुभाषिक व्यक्ति हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन आदि किसी भी अर्जित अथवा अधिगमित कोड में समान अभिव्यक्ति दे सकता है। जो व्यक्ति हिंदी जानता है वह अंग्रेजी सीखकर अंग्रेजी में भी अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकता है, रोमन लिपि को सीख सकता है, देवनागरी को भी सीख सकता है और उसमें भी अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकता है। जैसे मैं यह बात हिंदी में बोल रहा हूं, आपको अंग्रेजी में भी आपको बोल सकता हूं, बता सकता हूं। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कोड अथवा संकेत का प्रयोग कर सकता है। इट मींस अ पर्सन कैन कम्युनिकेट इन सो मेनी लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली इफ ही हैज लर्नड दैट लैंग्वेज। इफ अ पर्सन हैज लर्नड सो मेनी लैंग्वेजेस ही कैन कम्युनिकेट हिज आइडियाज इन सो मेनी लैंग्वेजेस। द सेम आइडियाज कैन बी कम्युनिकेटेड बाय हिम इन सो मेनी लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन इन द डिफरेंट कोड्स। तो कोड मिश्रण भी कर सकता है और कोड का अंतरण भी कर सकता है, मतलब कोड को मिक्स भी कर सकता है, दो भाषाओं के कोड को देवनागरी लिपि में लिखते लिखते अचानक रोमन लिपि में लिखना भी चालू कर सकता है, फारसी लिपि में भी लिखना चालू कर सकता है और कोड को अंतरण भी कर सकता है, कोड को चेंज भी कर सकता है। जैसे कोड देवनागरी में है तो इसको रोमन लिपि में भी चेंज कर सकता है। तो जबकि मानवेतर भाषा में यह संभव नहीं है। यही नहीं, वह नए कोड भी निर्मित कर सकता है, जैसे गुरुमुखी लिपि है उसका भी आविष्कार किया गया, वैसे ही नए नए लिपियों का भी आविष्कार कर सकता है, नए कोड बना सकता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रयोजनों में भी मानव, अभी जैसे कोडिंग का जमाना है, नई नई भाषाएं आ रही है ना, कोडिंग में नई नई भाषाएं क्या क्या आती है यहां पे कंप्यूटर के कोड में, तो नई नई भाषाएं आ रही है, नए नए कोड बना रहे हैं मनुष्य। इसी प्रकार विभिन्न प्रयोजनों में भी मानव संप्रेषण का भिन्न प्रयोग संभव है। इसे हम कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक भाषा। अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के संप्रेषण के माध्यम का और संप्रेषण की शैली का मनुष्य प्रयोग कर सकता है। मानवेतर संप्रेषण एक ही प्रकार से संभव है, जबकि मानवेतर संप्रेषण है जो पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, कीट पतंगों की जो भाषा है उसमें केवल एक ही प्रकार का संप्रेषण संभव है। अधिगम करने पर भी, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखने पर भी दो से अधिक कोड में मानवेतर संप्रेषण संभव नहीं है। मतलब मानवेतर संप्रेषण तो संभव है ही नहीं, लेकिन मानवेतर संप्रेषण में ज्यादा कोड को सीखा नहीं जा सकता, थोड़ी मोटी चीजों को उन्हें सिखाया जा सकता है, जीव जंतुओं। अब ये आठवां है वाक्छल। वाक्छल मतलब पता है गोलमोल बात करना, माना जैसे कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन उसे घर में कोई जाता है क्या बोलता है कि मेरी कुटिया में आपका स्वागत है और रहेगा बहुत बड़ा बंगला, तो ये इसको बोलते हैं वाक्छल, गोलमोल बात करना। मानव संप्रेषण में वाक्छल गोलमोल बात का पूरा अवकाश रहता है, पूरी गुंजाइश रहती है, उसकी रचना अतार्किक हो सकती है। अब ये बात तो अतार्किक ही है कि बहुत बड़े बंगले में रहने वाला व्यक्ति बोलता है कि इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है और है बहुत अमीर, बहुत बड़ा बंगला है, तो ये बात भले ही अतार्किक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है हिंदी में या फिर अन्य भाषा में। बाह्य यथार्थ और भाषिक यथार्थ का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, मतलब बाहरी यथार्थ और भाषिक यथार्थ का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। तो बाह्य यथार्थ क्या है कि बहुत अमीर व्यक्ति है वो और बहुत बड़ा बंगला है, और भाषिक यथार्थ क्या है, गरीब की कुटिया बोल रहा है। तो वास्तव में इन दोनों का कोई प्रत्यक्ष संबंध होना जरूरी नहीं है। ऐसी रचना व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने पर भी तर्क की दृष्टि से अर्थहीन हो सकती है। तो जब हम ऐसी बात कहते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है कि भाई गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है, लेकिन जब तार्किक दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि इतना अमीर आदमी है कैसे गरीब बोल रहा है अपने आप को, इतने बड़े बंगले में रह रहा है, इतना अमीर है, बहुत महंगी गाड़ी खड़ी हुई है, तो तर्क की दृष्टि से यह भले अर्थहीन हो जाए लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह क्या है, शुद्ध है। इसकी गुंजाइश, वाक्छल की गुंजाइश किसमें होती है, मानव की भाषा में होती है, मानव के संप्रेषण में होता है। मानवेतर संप्रेषण ऐसी किसी भी संभावना से परे होता है।
लेकिन जो मानवेतर संप्रेषण होता है, पशु पक्षियों कीट पतंगों की जो भाषा होती है, चिड़िया लोगों की जो भाषा होती है, उसमें इस प्रकार की कोई संभावना नहीं होती गोलमटोल बात करने की। अब निष्कर्ष, किसी भी परीक्षा में निष्कर्ष आप अवश्य लिखें, निष्कर्ष लिखना अनिवार्य होता है ना। ऊपर आपने जिन बातों की चर्चा की है उनको आखिरी में संक्षेप में लिखना ही निष्कर्ष कहलाता है। तो चेतन जगत बाह्य सृष्टि की घटनाओं से निरपेक्ष नहीं रह सकता, परंतु जहां वनस्पति जगत की भावनाएं दृष्टिगत नहीं होती, वहीं मानव और पशु पक्षी आदि ध्वनि के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो जैसे हमारा चेतन जगत है, तो बाहरी जो हम घटनाएं जो देखते हैं, बाहरी हमारा अपना परिवेश देखते हैं, उसके आधार पर हम अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उनमें भी ये सब विचारों की अभिव्यक्ति होती होगी, भावनाओं को भी एक्सप्रेस करते होंगे, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता है, हमको दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। लेकिन जहां पर मानव है, पशु पक्षी आदि हैं, वे ध्वनि के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। मानव संप्रेषण और मानवेतर संप्रेषण में कुछ अभिलक्षण समान होने पर भी अनेक दृष्टियों से पर्याप्त भिन्नता मिलती है। तो भले ही मानव का संप्रेषण और मानवेतर संप्रेषण दोनों ही ध्वनि के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कुछ समानता जरूर है इनमें, लेकिन असमानता बहुत ज्यादा है, बहुत पर्याप्त भिन्नता है इनमें। क्या है? मानवेतर जो भाषा है वह सृजनात्मक नहीं होती, जबकि मानव भाषा सृजनात्मक होती है। तो जो मानवेतर जो भाषा होती है, जीव जंतु जैसे कीट पतंगों इत्यादि की जो भाषा होती है, पशु पक्षियों की, जानवरों की, इनमें सृजनात्मकता नहीं होती, जबकि मानव की जो भाषा होती है उसमें सृजनात्मकता या सृजनात्मकता दोनों एक ही शब्द है। सृजनात्मकता और सृजनात्मकता दोनों एक ही शब्द है। तो सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है? पहले असीमितता, असीमितता मतलब विदाउट एनी लिमिट, देयर इज नो लिमिटेशन, दैट वी कैन एक्सप्रेस सो मेनी थिंग्स, सो मेनी आइडियाज इन आवर लैंग्वेजेस। तो असीमितता मतलब विदाउट एनी लिमिट, मनुष्य अपनी भाषा के द्वारा असीमित पुराने और नए भावों तथा विचारों आदि को अभिव्यक्ति दे सकता है, किंतु मानवेतर भाषा की अभिव्यक्ति शक्ति बहुत सीमित होती है। तो मनुष्य क्या करता है? अनलिमिटेड आइडियाज को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकता है, बहुत सारे विचारों को, अनंत विचारों का अभिव्यक्ति प्रदान कर सकता है, नए विचार ला सकता है, पुराने विचारों के ऊपर चर्चा कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। परंतु मानवेतर जो भाषा है, इनकी अभिव्यक्ति की शक्ति बहुत ही सीमित होती है, क्योंकि ऐसे पे चिल्ला सकते हैं, जोर से आवाज उठा सकते हैं, या फिर अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं, तो इस टाइप से उनमें क्या है, लिमिटेशन है। इसी प्रकार उद्दीपन अनुक्रिया मुक्तता, उद्दीपन मतलब बाह्य परिस्थितियों को देखकर आवाज निकालना, जैसे किसी शेर को देख लिए हिरण के झुंड में, तो हिरण लोग इधर उधर भागने लगे चिल्लाकर, बंदर लोग भागने लगे, मतलब बाहरी खतरे को देखकर वे भाग रहे हैं, या फिर जोर जोर से वो लोग चिल्ला रहे हैं किसी कारण से। तो मानव भाषा उद्दीपन अनुक्रिया रूप में नहीं होती, जबकि मानवेतर भाषा प्राय होती है। तो मानव की जो भाषा होती है वो बाहरी उद्दीपन पर, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मनुष्य अपनी चेतना के द्वारा, अपनी मानसिक क्षमता के द्वारा विभिन्न प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। इसके लिए बाहरी उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो मानवेतर जो भाषा है, मानवेतर संप्रेषण है, इसके लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है। और तीसरा संदर्भ उपयुक्तता, संदर्भ उपयुक्तता क्या है? मानव भाषा नए से नए, पहले से सर्वथा अज्ञात और अनुमानित संदर्भ के पूर्णतः उपयुक्त अभिव्यक्ति देने में समर्थ है, किंतु मानवेतर भाषा नहीं। मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है कि वह नए नए प्रकार की कविता लिख सकता है, साहित्य लिख सकता है, है ना, नए नए विचारों को जन्म दे सकता है, पहले से जो तथ्य ज्ञात नहीं है, अज्ञात तथ्य है, उनको सामने ला सकता है, भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकता है, कि मतलब जितनी सहजता और सरलता से वह वर्तमान के संदर्भ में कुछ बात कह सकता है, वर्तमान में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, उतनी सहजता से, उतनी सरलता से वह भूतकाल के बारे में बात कर सकता है, नए नए और भविष्य के बारे में बात कर सकता है, नए नए विचारों को जन्म दे सकता है, और जो अज्ञात तथ्य हैं उन्हें भी हमारे सामने ला सकता है ज्ञात। तो इस प्रकार वह विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, जबकि मानवेतर भाषा में यह क्षमता विद्यमान नहीं होती, क्योंकि जो मानवेतर भाषा होता है वह प्राय बाह्य उद्दीपनों पर आधारित होती है, स्टिमुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो आई थिंक दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन ऑफ अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड द ह्यूमन बींग्स। तो ये था, आपने समझ लिया होगा बहुत अच्छे से।
और यदि आज का मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, और साथ ही अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक साझा करें। जय हिंद, जय भारत।